रायबरेली में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिजली की बदहाल व्यवस्था के लिए उनकी सरकार ही जिम्मेदार है। दरअसल AK शर्मा से जब ये सवाल पूछा गया कि अखिलेश यादव हर मंच से कहते हैं कि भाजपा वाले बताएं उन्होंने कितने नए पावर प्लांट लगाए हैं, इसका जवाब देते हुए AK शर्मा ने कहा कि यही सवाल अखिलेश जी को मुख्यमंत्री रहते अपने अधिकारियों से पूछना चाहिए था। AK शर्मा ने कहा कि आज बिजली की जो भी बदहाली है उसके लिए अखिलेश और उनकी सरकार जिम्मेदार है। हालांकि AK शर्मा ने इस दौरान भाजपा के कार्यकाल में एक भी नए पावर प्लांट का नाम ना बताकर अखिलेश यादव के सवाल को खुद ही सत्य साबित किया है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा यहां नेवाजगंज में 132 केवी के लगने वाले पावर हाउस के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनके साथ ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर भी पहुंचे थे। ये पावर हाउस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के गांव में लगेगा। अच्छे से चावल देती थी और मैं शासन के कुछ अधिकारियों के घर घी चावल लेके जाता था कि भैया हमारे गांव की सड़क बना दो, हमारे गांव में सड़क नहीं है। 40 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाला है और एक साल के अंदर ये बनकर के तैयार हो जाएगा और जनता को सेवा देने लगेगा। चुनाव के पहले करके तैयार हो जाएगा? चुनाव के पहले तो नहीं हो पाएगा, हम लोग चुनाव के दृष्टि से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आधा बन जाएगा और ये निश्चित है कि चुनाव जैसे ही पूरा होगा वैसे ही इसका इसका बिजली मिलने लगी। लगातार आप लोगों से लिस्ट मांगते हैं नए पावर प्लांट का, तो आप लोग जारी क्यों नहीं कर देते? अखिलेश जी ने अगर अपने अधिकारियों से वही लिस्ट जब वो मुख्यमंत्री थे तब अगर मांगी होती तो आज हमारे राज्य में बिजली की कमी नहीं होती। जो जिस पार्टी की सरकार 25 साल तक किसी राज्य में शासन करे, जिस परिवार से चार चार मुख्यमंत्री रहे, जो व्यक्ति खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो अगर दूसरे को कहता है, जिसको अभी मात्र 6 साल हुआ है, अगर दूसरे को कहता है कि आपने पावर प्लांट नहीं बनवाए, तो ये बहुत शर्मजनक बात है। सच बात तो ये है कि उनके समय में समाजवादी पार्टी के शासन में उनके चार चार बार उनकी सरकारों में सही दिशा में काम नहीं हुआ, उसी का परिणाम है कि आज भी उत्तर प्रदेश विद्युत के संकट से उबर नहीं पा रहा है। लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब विद्युत के संकट से उत्तर प्रदेश को बहुत जल्दी ही निकालने की पूरी दिशा में हम चल रहे हैं, जैसा मैंने बताया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।